केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रही है। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख सेवारत और करीब 62 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। बता दें कि इस घोषणा के साथ ही महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 17% हो गया है। साथ ही इस फैसले से सरकारी खजाने पर 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी की है, जिसके तहत अब इन्हें 1,000 रुपये की बजाय 2,000 रुपये मिलेंगे। ये भत्ता जुलाई 2019 से लागू होगा। जावड़ेकर के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। वहीं किसान सम्मान निधि को लेकर जावड़ेकर ने कहा कि किसान 30 नवंबर तक इसके लिए आधार नंबर को दे सकते हैं। पहले इसकी तारीख 1 अगस्त 2019 थी। बता दें कि इस निधि के अंतर्गत छोटे किसानों को सरकार की ओर से 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।